राहुल कुमार ने सही लिखा, ब्रेव आर्ट ने टिकटॉक से सीखा है। वो जो कपड़े चेंज करने वाला आया था ना, इतनी जल्दी कैसे चेंज कर लिया? नहीं मतलब शू पॉलिश सिर पे लगाने वाले लोग टिकटॉक से कपड़े चेंज कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, तो ब्रेव आर्ट क्यों नहीं? और ब्रेव आर्ट में तो टैलेंट भी है। तो क्या सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। डेली Q&A को स्ट्रीक बरकरार रखते हुए गेमिंग बीस्ट लिखते हैं, विल ट्रिपल एच रेसल ऑन अपकमिंग रेसलमेनिया? इफ ही डज देन हु शुड बी हिज अपोनेंट अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखो यार, मैंने तो जहां तक लास्ट टाइम सुना था ट्रिपल एच के मुंह से, आई डोंट थिंक सो कि वो रेसलिंग करना चाहते हैं अब, फिर चाहे वो रेसलमेनिया ही क्यों ना हो। आई थिंक अगर कोई चीज उनको एक्साइट करेगी तो वो होगी या तो कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच हो, फॉर एग्जांपल मे बी अंडरटेकर अपनी रिटायरमेंट से वापस आ जाए लड़ने के लिए, तो ट्रिपल एच लड़ सकते हैं। बट फॉर मी, अगर सही में ट्रिपल एच लड़ेंगे तो मेरे हिसाब से अगर लास्ट अपोनेंट वो किसी को चूज करे, देन इट शुड बी जो कि NXT का ही बंदा हो, यू नो, लाइक एडम कोल, समथिंग लाइक दैट। NXT को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, एंड सोचो जो सामने उनके साथ लड़ रहा होगा उसको बहुत बूस्ट मिलेगा। फयाज होसैन लिखते हैं कि हु इज द बेस्ट बिग मैन इन प्रो रेसलिंग एट द मोमेंट, फॉर एग्जांपल मिनोरू सुजुकी, वाल्टर ब्रॉन स्ट्रोमन, लार्स आर्चर, ब्रॉडी ली और समवन एल्स? या मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है वो वाल्टर। वाल्टर टेक्स द केक, नॉट इवन द पीस बट द होल केक। इवन द ब्रॉन स्ट्रोमन इज द मोस्ट नॉन बिग मैन बिकॉज ऑफ द मेन स्ट्रीम थिंग, बट जितने लोगों को भी पता है कि वॉल्टर नाम की कोई चिड़िया है, उसे पता है हु इज एक्चुअली वॉल्टर एंड वट ही कैन डू इफ वी कैन इग्नोर सर्वाइवर सीरीज 2019। आई हैव वेरी हाई होप्स फॉर हिम। तो जिस दिन भी वो मेन रोस्टर में एक्चुअली कदम रखने आएंगे, देखना होगा कि कैसे कैपिटलाइज होंगे। एंड क्या तुमने सही में ब्रॉडी ली को भी इस लिस्ट में डाला? कम ऑन, सी आई गेट इट, हो सकता है तुम्हें AEW पसंद हो, बट कुछ भी। ऋतिक पुरी, बैरन कॉर्बिन का फिनिशर एंड ऑफ डेज इतना प्रोटेक्टेड क्यों रखते हैं WWE? क्योंकि बैरन कॉर्बिन तो कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं, आज तक WWE में कोई भी किकआउट नहीं कर पाया। या दैट इज ट्रू, लाइक कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि यार बैरन कॉर्बिन एज सच कोई मेन इवेंटर तो इन्होंने बना नहीं रखा। और एक तो सबसे बड़ी बात मेरे को पता है क्या लगती है, उनका जो फिनिशर है वो यूनिक है। सो नॉट ओनली कि वो उस फिनिशर को बैरन कॉर्बिन के लिए सेफ रख रहे हैं, बल्कि अपने लिए भी सेफ रख रहे हैं, राइट? जैसे गोल्डबर्ग की स्पीयर है ना, गोल्डबर्ग की स्पीयर ने कितना तहलका मचाया था लेट 90s में। तो ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि अगर गोल्डबर्ग रेसलिंग छोड़ दे और कोई और आकर स्पीयर मारने लगे और उसके स्पीयर पे लोग इजिली किक आउट कर जाए। एक ओवरऑल इमेज बन जाती है ना उस फिनिशर की, तो वही इमेज शायद WWE बना रही है कि अगर कॉर्बिन के अलावा कोई और भी इसे बाद में यूज करेगा तो इसको फिनिशर की तरह यूज कर पाएगा, ना कि रैंडमली सुपर किक की तरह, जैसे कि अभी सुपर किक एंड कैनेडियन डिस्ट्रॉयर्स बन चुके हैं। सो आई थिंक दैट माइट बी द रीजन, अदरवाइज आई थिंक उनकी काफी ज्यादा हाई होप्स होंगी बैरन कॉर्बिन के साथ। नीरव साथी लिखते हैं कि टोनी खान टीज दैट ही कुड बाय इंपैक्ट, शॉकिंग फेस। सही में, तो मतलब टोनी खान ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि एटलीस्ट एक डिवीजन तो उन्हें स्ट्रांग करनी है अपने प्रमोशन की, और इसीलिए वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो एक बढ़िया स्ट्रांग फीमेल डिवीजन ले ले। अच्छी बात है आई थिंक उनके लिए। रुद्र पांडे लिखते हैं कि साशा विन ऑल 3 चैंपियनशिप इन 1 ईयर। यस, ये फैक्ट देखा, साशा बैंक्स ने इस साल रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप भी, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप भी एंड टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती। वाओ, एक ऐसी बंदी जिनका चैंपियनशिप रिकॉर्ड इतना बेकार था और अचानक से 2020 साल आता है और वो तीनों चैंपियनशिप जीत जाती है। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी 28 दिन है, जाके NXT में वो भी चैंपियनशिप जीत लो, बढ़िया रिकॉर्ड बन जाएगा। एंड वीडियो खत्म करने से पहले साहस खड़का का मैं ये कमेंट जो है याद रखना चाहता हूँ, ताकि अगर ड्रू मैकइंटायर एक्चुअली में 3 अवार्ड जीते या उससे ज्यादा जीते तो थोड़ा टीज करने में मजा आएगा। सी, मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग ड्रू मैकइंटायर को 3 अवार्ड मिल रहे हैं, दैट्स नॉट हैपनिंग। क्यों? वो ड्रू मैकइंटायर है इसीलिए, या फिर 3 अवार्ड कुछ ज्यादा है इसीलिए? और अगर आपको लग रहा है 3 अवार्ड कुछ ज्यादा ही है, देन लुक एट दिस, ये क्या है? ऐसा मत सोचो कि 3 या 4 अवार्ड मिलना एक ही सुपरस्टार को कोई बड़ी बात है, और एक ही कैटेगरी के लिए थोड़ी मिल रहा है, अलग अलग कैटेगरी के लिए मिल रहा है, गली बॉय थोड़ी है ड्रू मैकइंटायर कोई। एनीवेज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मैं वेट करूंगा 24 दिसंबर का, ठीक है साहस खड़का भाई, याद रखना, आई एम कमिंग टू गेट यू।